हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नर्सरी क्लास में बच्चों को क्या पूछा जाएगा फाइनल एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में। ओके, तो नर्सरी क्लास में देखिए क्या पूछा जा सकता है, और इसमें हाँ कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं स्कूल के हिसाब से, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको। ओके, जैसे हालांकि बेसिक चीज़ तो यही सब सिखाया जाता है नर्सरी क्लास में, यही सब पूछा जाता है। ओके, तो फिर देखिए, फर्स्ट है राइट स्मॉल लेटर, इसमें ए टू जेड स्मॉल लेटर आ जाता है लिखने के लिए बच्चों को। ओके, फिर राइट कैपिटल लेटर आ जाता है, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड। ओके, ये हो गया। फिर स्पेलिंग आता है आपको, जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है या फिर जो भी बच्चे जानते हैं, वो जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, यूजली स्पेलिंग जो पढ़ाया जाता है बच्चों को नर्सरी क्लास में वो टू या थ्री लेटर का ही होता है। लेकिन एप्पल जैसे थोड़े बड़े लेटर के साथ आ गए, एप्पल ए पी पी एल ई, या फिर ए एन टी एंट, ये भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को जिससे उन्हें जल्दी से याद हो जाए। तो स्पेलिंग आता है ए से लेकर के जेड तक लिखने के लिए। और फिर है सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट विथ पिक्चर। जैसे इसमें देखिए क्या हो सकता है, जैसे बॉल है, ओके, तो ये पिक्चर दे दिए जाएंगे और यहाँ पर लिखा जाएगा लेटर, और फिर सर्कल करना है। जैसे बी फॉर बॉल है तो ये सर्कल हो जाएगा बी में। ओके, ये इस तरह से बच्चों को दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। तो सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट विथ पिक्चर, ये हो गया आपको। फिर है मैच द अल्फ़ाबेट विथ देयर स्पेलिंग। ओके, हाँ एक चीज़ और, सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट ये तो हो ही गया, लेकिन साथ में हो सकता है आपको जैसे ये कैट है, ओके कैट दे दी गई, फिर बॉल मान के चलिए, ओके एप्पल, कैट, बॉल, ट्री, जैसे ये सारे फोटोज़ दे दिए गए। ओके, अब इसमें क्या होगा, मैचिंग करने के लिए भी दिया जा सकता है, इसमें मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है। सी फॉर कैट, टी फॉर ट्री, बी फॉर बॉल, तो इस तरह से भी बच्चों को दिया जा सकता है मैच करने के लिए। ये हो गया सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट विथ पिक्चर, और फिर ये हो गया मैचिंग, ये भी हो सकता है। फिर मैच द अल्फ़ाबेट विथ देयर स्पेलिंग, जैसे ये हो गया स्पेलिंग। ओके, और यहाँ पर आपको लेटर दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, इस तरह से मैचिंग दे दिया जाएगा आपको। ओके, तो बच्चों को इस तरह से करना होगा, तो उन्हें इस तरह से ही तैयारी कराना है बच्चों को कि वो सब ये आराम से कर पाएँ। तो इसके लिए आपको वर्कशीट बना के देनी होगी। मैंने नर्सरी क्लास के लिए इंग्लिश का वर्कशीट बनाया हुआ है कि बच्चों को क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और आई बटन में भी डाल दूँगी, ऊपर आई बटन में। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है राइट डाउन द मिसिंग अल्फ़ाबेट। अब राइट डाउन द मिसिंग अल्फ़ाबेट में क्या है, जैसे ए सी, सॉरी कॉमा दे दिया मैंने, जी, इस तरह से है। तो मिसिंग अल्फ़ाबेट में बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, तो इस तरह से आपको दे दिए जाएंगे बच्चों को फिल करने के लिए। इसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछा जा सकता है, राइट डाउन द मिसिंग अल्फ़ाबेट ये भी दिया जा सकता है। अब ओरल में क्या पूछा जा सकता है, ओरल में आपको स्पेलिंग पूछा जा सकता है। अगर स्पेलिंग पढ़ाया गया है नर्सरी क्लास में बच्चों को, तो ऐसे लेकर जेड तक स्पेलिंग पूछा जाएगा। उसके बाद फिर ए टू जेड पूछा जाएगा, ए बी सी डी इस तरह से बोलने के लिए। फिर बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम ये पूछा जा सकता है, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सब जो इजी होते हैं वो पूछा जा सकता है नर्सरी क्लास में बच्चों को, और जो पोएम उन्हें सिखाया गया है वो उन्हें उनसे पूछा जाएगा। अब आते हैं मैथ पर। तो मैथ में देखिए क्या पूछा जा सकता है, मैथ में फॉरवर्ड काउंटिंग हो गया 1 to 100, ओके, बैकवर्ड काउंटिंग हो गया 50 to 1। देखिए यहाँ 50 to 1 भी पूछा जाता है, कहीं कहीं किसी स्कूल में 20 to 1 भी पूछा जाता है, ठीक है। बैकवर्ड काउंटिंग में 20 to 1 भी पूछा जा सकता है, 50 to 1 भी पूछा जा सकता है। फिर है कम्प्लीट द सीरीज। अब कम्प्लीट द सीरीज क्या है, कम्प्लीट द सीरीज में 1, 3, 5, 7 जैसे इस तरह से काउंटिंग दे दिया जाएगा बच्चों को, यहाँ पर कंप्लीट करना है सीरीज को। तो ये हो गया कंप्लीट द सीरीज।
अब है व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर में आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे, तो 6 के आफ्टर में क्या आता है 7, 9 के आफ्टर में 10, आफ्टर में हो जाएगा आपको आफ्टर पूछे जाएंगे। उसके बाद बिटवीन आ जाएगा, तो बिटवीन भी इसी तरह से हो जाएगा, 9 है ये 11, तो बिटवीन में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, तो 9 के आफ्टर में 10। हमें बिटवीन भी ना बच्चों को आफ्टर के जैसा ही सिखाना चाहिए, जैसे 6 के आफ्टर में 7, 6 के बाद बच्चा पढ़ता है 7, उसी तरह बिटवीन भी अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा क्या होगा तो उसे आफ्टर के तौर पर ही समझाना चाहिए, फिर बाद में जरूर बताना चाहिए कि यहाँ 11 है, तो देखो ये बीच में आ गया 10। तो इस तरह से बच्चा आफ्टर के तौर पर ही इसे सीख जाएगा बिटवीन भी लिखना। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद एक काउंट एंड ड्राइव, जैसे कोई ये मैंने ट्राइंगल बना दिया तो बच्चा गिनेगा कितना है, इस तरह से डैश दिया रहेगा, तो 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेगा 3। उसी तरह सर्कल है अगर तो 1 2, तो यहाँ लिखेगा 2। तो ये हो गया काउंट एंड राइट। फिर आता है स्पेलिंग 1 to 10, तो स्पेलिंग बच्चे को लिखना है O N E 1 T W 2, इस तरह से लेकर के 10 तक उन्हें लिखना होगा एनुअल एग्जाम में स्पेलिंग। ओके, तो ये हो गया मैथ। और ओरल की बात करें अगर मैथ में, तो उसमें 1 to 100 फॉरवर्ड काउंटिंग पूछा जाएगा, स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है 1 to 10। अगर बच्चा 1 to 10 स्पेलिंग लिख सकता है तो उससे पूछा भी जाएगा 1 to 10 स्पेलिंग। तो ओरल में आ जाएगा ये फॉरवर्ड काउंटिंग और स्पेलिंग। अब हिंदी पे आते हैं, तो हिंदी में क्या होता है, बच्चों से क्या पूछा जाएगा, क से लेकर ज्ञ तक ये लिखना रहेगा, फिर अ से अह तक ये आ सकता है, उसके बाद फिर शब्द बनाने के लिए मिलेगा बच्चों को अ से अह तक, तो क्या होता है, अ से अंग तक ही रहता है, तो अ से अनार, आ से आम, इस तरह से बच्चों को लिखना रहेगा शब्द। ठीक है, फिर है चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से मिलाएं। तो जैसे चित्र दे दिया गया, और अब बच्चे को क्या होगा, मिलाने के लिए उसे दिया जाएगा, से आम हो गया, छोटी से इमली, और से अनार, ये हो जाएगा। तो चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से मिलाएं, ये हो गया। फिर उसी तरह आपको जैसे इंग्लिश में दिया गया था सर्कल करने के लिए, उसी तरह आपको गोला करने के लिए भी लिखा रहेगा कि गोला करो, तो उसी तरह यहाँ पर जैसे ये ऊन हो गया, ओके, ऐसे मैंने ऊन बना दिया, ठीक है, तो दिया जाएगा अ आ उ, तो बच्चा क्या करेगा, इस पर सर्कल कर देगा, गोला कर देगा इस पर, तो ये इस तरह से भी दिया जा सकता है, ये हो गया। फिर है दो अक्षर वाले शब्द, दो अक्षर वाले शब्द में नल नल, फल फल, जल जल, हल हल, ये सब लिखने के लिए दिए जाएंगे बच्चों को, ये हो गया। फिर खाली स्थान भरो में, जैसे क से, जैसे क लिखा है, फिर यहाँ पर बच्चे को लिखना है, इस तरह से खाली स्थान भरने के लिए दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह अ से अ तक में भी खाली स्थान भरने के लिए दिए जा सकते हैं। फिर आपको हो गया, अगर बच्चे को शब्द बनाने के लिए मिल जाता है, बच्चों को पढ़ा दिया जाता है नर्सरी क्लास में, अ से अंक तक शब्द बनाओ, तो हो सकता है आपको पिक्चर दे दिया गया जैसे, ठीक है, और बच्चे को लिखना रहेगा शब्द, तो अनार, ऐसे भी पूछा जाएगा बच्चों से, अगर वो शब्द लिखना जानते हैं तो इस तरह से भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पिक्चर्स दे दिए जाएंगे और बच्चे को शब्द लिखना है। तो देखिए, किसी किसी स्कूल में तो बता दिया जाता है शब्द लिखना, अब ऐसे स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो नर्सरी क्लास में क्या पढ़ाया जाता है उन्हें। तो ये हो गया आपको हिंदी का। अब ओरल की बात करें अगर हिंदी में, तो उसमें आपको क से ज्ञ तक पूछा जाएगा, अ से अह तक पूछा जाएगा, तो अक्षर वाले शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका एनुअल एग्जाम के लिए बच्चों की तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से बच्चों की तैयारी कराएं, इसी में से बच्चों को पूछे जाएंगे। ओके, फिर अगर वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, हाँ, और ऑल नोटिफिकेशन पर बेल बटन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर ही क्लिक करिएगा, ओके, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। जिन्होंने बेल बटन नहीं प्रेस किया है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन पर। ओके,
और हाँ, मैंने इंग्लिश और हिंदी मैथ तीनों पे वर्कशीट बनाया हुआ है नर्सरी क्लास के लिए, मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आई बटन पे भी डाल दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।